अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 25 अगस्त 2020 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, सीटेट 5 जुलाई 2020 लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि दोस्तों कब तक हो सकता है आपका पेपर, और आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि कब तक बेरोजगार रहना है। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है ना अभी कि दोस्तों लेटेस्ट अपडेट में आपको बता दें, यहाँ पर देखिए आप लोग, रोजगार पोर्टल पर बीटेक हो गया बीएड से लेकर अनपढ़ तक मांग रहे हैं नौकरी। जी हाँ दोस्तों, बताइए बीएड के छात्रों की ऐसी नौबत आ रही है कि रोजगार पोर्टल पर जाकर नौकरी मांगनी पड़ रही है, जबकि दोस्तों आपको बता दें हजारों शिक्षकों के पद अभी भी खाली है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरी आ सकती है, नहीं आ रही है, बस ये सब बातें आपको बता दें। अभी दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती, अगर आप यूपी में रहते होंगे तो इसके बारे में परिचित होंगे, ठीक है, 69,000 शिक्षक भर्ती। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया था असिस्टेंट टीचर सहायक अध्यापक के दोस्तों 51,000 से अधिक पद खाली हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो शिक्षा मित्रों को लेकर कुछ विवाद था यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि अभी भी शिक्षकों के 51,000 पद खाली हैं। ये दोस्तों हम प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बात करें, मतलब जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के टीचर बनते हैं। और दोस्तों यहाँ पर डीएलएड और बीएड दोनों छात्रों को मौका मिलेगा इस नौकरी में। तो सिंपल सी बात है यार कि हमें कब तक बेरोजगार रहना है, ठीक है। आपके मन में दोस्तों होगा कि यार सीटेट का पेपर अभी ना हो। देखिए सीटेट का पेपर होगा तो आगे चलकर सुपर टेट का भी पेपर होगा। अगर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। और फिर आप लोग दोस्तों बस वही करना है कि रोजगार पोर्टल पर देखना है जॉब कहाँ मिलेगी, उसके बाद आप ये सोचेंगे चलो ठीक है कहीं प्राइवेट नौकरी कर लें। आपको बता दें दोस्तों आज के दिन जो प्राइवेट टीचर होंगे उनकी भी हालात काफ़ी अच्छे नहीं है, काफ़ी दोस्तों मतलब उनकी स्थिति दयनीय बनी हुई है, क्योंकि स्कूल में बच्चे जा नहीं रहे और पैसा वैसा स्कूल में देखिए बच्चे दे भी नहीं रहे। कुछ बड़े स्कूल हो सकते हैं जहाँ नामी आमी स्कूल, वहाँ पर पैसे जा रहे होंगे, फीस जा रही होगी, लेकिन जितने भी छोटे स्कूल हैं गाँव में इधर उधर हो गया नॉर्मल स्कूल, वहाँ पर फीस बच्चे नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बातें आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इसका एक विकल्प है सरकारी नौकरी। और दोस्तों सरकारी नौकरी पाने के लिए कम से कम आपको पहले सीटेट का पेपर पास करना पड़ता है। फर्स्ट राउंड तो आपका सीटेट ही है, उसके बाद आगे सुपर टेट होता है, जो भी दोस्तों प्रोसेस हो। तो फिलहाल देखिए आपको क्या करना है कि इस समय आपको बताते हैं एक और अपडेट कि पेपर के लिए सोशल मीडिया पर अभियान शुरू। जी हाँ दोस्तों, आप जब सोचिए जब नीट का पेपर जेई का पेपर सितंबर में हो सकता है तो क्या दोस्तों सीटेट का पेपर नहीं हो सकता? जब दोस्तों इंटर के बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं तो क्या सीटेट के बच्चे नहीं कर सकते? आपको बता दें बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो गया। देखिए आपको बता दें जितने भी दोस्तों बड़े बड़े पेपर है सब कुछ हो रहा है। एक और अपडेट आपके सामने रखते हैं, कोविड के चलते स्नातक के अंकों के आधार पर इस साल मैनेजमेंट कॉलेजों में प्रवेश होगा। आप अंदाजा लगा लीजिए दोस्तों, कोई भी काम रुका नहीं है, ठीक है। आप सोचते होंगे नहीं यार सब कुछ काम रुक गया, कुछ हो नहीं रहा, सीटेट का पेपर भी नहीं हो रहा तो सारे काम रुक गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह दोस्तों कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, सब कुछ आगे बढ़ रहा है, खाली बात आती है नौकरी की तो नई नौकरियां सामने नहीं आ रही है। तो इसके लिए आपको सवाल खड़ा करना चाहिए सरकार के सामने। और सिंपल सी बात है दोस्तों, लाखों छात्र बेरोजगार बैठे हैं जिनको है कि कब ना कब मतलब कोई वैकेंसी है और कब उनको नौकरी मिले। तो दोस्तों पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि जो सीटेट का पेपर रुका है इसके लिए आपको भी सोशल मीडिया पर अभियान चलाना चाहिए, और दोस्तों उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसका पेपर हो जाए। तो फिलहाल आपको बता दें अभी भी दोस्तों पूरी उम्मीद है कि जो सीटेट का पेपर है वो सितंबर में हो सकता है। आपके मन में डाउट होगा कोरोना वायरस को लेकर, जब दोस्तों नीट का पेपर जो इतने बड़े बड़े एग्जाम है वो कैंसिल नहीं हो रहे, तो सीटेट तो दोस्तों एक नॉर्मल का पेपर है जो कि आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि इसके सेंटर दोस्तों पूरे देश में होते हैं सीटेट के, और हर बार दोस्तों अच्छे से सीटेट का पेपर हो जाता है। एक और अपडेट आपको सामने रख देते हैं। फिलहाल मानते दोस्तों कि पिछले 24 घंटे में हमारे देश में दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना मामले सामने हैं, 59,000 से अधिक लोगों को कोरोना होता है। आपको सबसे अच्छी बात बताएं, इंडिया में दोस्तों अब तक टोटल मामले 31,00,000 को पार हो चुके हैं कोरोना के, लेकिन 24,00,000 से अधिक लोग रिकवर भी हो चुके हैं। इस आंकड़े को भी जरा हमें देखना चाहिए, 7,00,000 से अधिक मतलब ऐसे मामले जो एक्टिव केसेस में है, और 58,000 से अधिक लोगों की जान भी गई है। देखिए मरने वालों में दोस्तों अधिकतर वो लोग भी है ना जिनको पहले कोई ना कोई बीमारी थी। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जिनको बीमारी है उनके लिए कोरोना वायरस थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है, जो बिल्कुल स्वस्थ हैं कोई दिक्कत नहीं उनके लिए नॉर्मल होगा कोरोना वायरस, बाकी सावधानी आपको बरतनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि दोस्तों सीटेट का पेपर ही रुक रहा है और तो सब कुछ हो रहा है ना, इसको भी जरा आपको थोड़ा ध्यान में देना पड़ेगा। नहीं तो होगा क्या कि आप लोग का जो सीटेट का पेपर नहीं हो रहा उससे दिक्कत आपके सामने ये आएगी कि डीएलएड और बीएड के दोस्तों कॉलेज में एडमिशन भी सब कुछ चल रहा, प्रोसेस हो रहा है, नए बच्चे आते जाएंगे और आपका पेपर रुका रहेगा तो उससे आप पीछे होंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। आप तो एक जगह रुक गए ना,
आप सोचिए दोस्तों, जो पेपर जुलाई में हो जाना चाहिए उस समय कोरोना के केसेस फिर भी काफी कम थे, पेपर हो सकता था, चलिए ठीक है नहीं होगा, तो अब सितंबर में दोस्तों पेपर करने की मतलब जो योजना बन रही है उसमें हो जाना चाहिए पेपर। और थोड़ा सा यहाँ पर सीबीएसई को भी देखना चाहिए, नहीं तो दोस्तों फिर वही होगा ना कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। उसके बाद चलिए पहले अपडेट को देख लेते हैं, नौकरी की क्या बात है। ठीक है, अगर अभी तक आपने वैसे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों हम वीडियो आपके लिए लाते हैं और आपके काम की खबर होगी सब। ठीक है, देखिए अपडेट क्या है। दिल्ली सरकार के रोजगार पोर्टल पर नौकरी मांगने वालों की कतार खत्म नहीं हो रही है। अभी भी दोस्तों 10 लाख से अधिक लोग नौकरी के लिए कतार में हैं। इसमें सिर्फ कम पढ़े लिखे या अनपढ़ नहीं बल्कि स्नातक व प्रोफेशनल की पढ़ाई करने वाले 50% उम्मीदवार हैं। सरकार का दावा है कि करीब एक महीने में इस रोजगार पोर्टल के जरिए करीब 10 लाख वैकेंसी क्लोज हुई हैं। ठीक है, जिसका मतलब है या तो उन्हें नौकरी मिल गई है या फिर उनकी बातचीत चल रही है। रोजगार पोर्टल पर अभी भी 9,000 से अधिक नियोक्ताओं ने 8,10,000 नौकरियां डाली हैं। कुल 10,51,000 लोग इस नौकरी को पाने के लिए कतार में हैं। इसमें 1.5 लाख लोग प्रोफेशनल पाठ्यक्रम की पढ़ाई किए हुए हैं, 3.5 लाख लोग स्नातक हैं, 70,000 से अधिक लोगों ने डिप्लोमा होल्डर हैं। ये शिक्षण क्षेत्र से लेकर सेल्स मार्केटिंग बैंक ऑफिस के क्षेत्र में नौकरियां ढूंढ रहे हैं। सरकार का कहना है कि बड़ी संख्या में इस पोर्टल के जरिए नौकरियां मिल रही हैं। तो सोचिए दोस्तों, नौकरी के लिए मतलब बिल्कुल मारामारी मची हुई है। अगर दोस्तों सरकार की नीतियां इतनी अच्छी होती ना तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अब तक आप लोग नौकरी करते हुए दिखाई देते और बेमतलब का दोस्तों आपको मतलब कुछ भी नौकरी करने के लिए मजबूर ना होना पड़ता। आगे की अपडेट देखते हैं। अभी तक दोस्तों कितने लोगों को नौकरी मिली है, इस पर सरकार का कहना है कि अभी मतलब इस पर कुल 22 लाख नौकरियां डाली जा चुकी है। इसमें 3.5 लाख नौकरियां फेक थी जिसे पोर्टल से हटाया गया है। इसके अलावा 10 लाख वैकेंसी को नियुक्ताओं ने क्लोज किया है जिसे हम मानते हैं कि उनको मतलब लोगों को नौकरी मिल गई होगी या फिर बातचीत चल रही होगी। हालांकि रोजगार पोर्टल से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक 7,500 लोगों ने वैकेंसी क्लोज की है, उनके पास कितनी जॉब थी, कितने लोगों को मिली है यह बताना मुश्किल है। आधिकारिक बयान क्या है, सीमा जोशी सदस्य रोजगार पोर्टल टास्क फोर्स ने कहा, रोजगार पोर्टल का मकसद ऐसे वर्ग को नौकरी दिलाना था जिसकी लॉकडाउन कोरोना के चलते मुश्किल हुई थी, इसलिए हमने इसे बेहद सरल बनाया था। बड़ी संख्या में लोग नौकरी के लिए पोर्टल पर आ रहे हैं। अभी दोस्तों यह एक शुरुआत है, जिस तरह लोगों की फीडबैक मिल रहा है हम इसमें सुधार कर रहे हैं। अभी भी दोस्तों पोर्टल पर 8 लाख से अधिक वैकेंसी है, 10 लाख से अधिक सक्रिय नौकरी तलाश रहे लोग हैं। मतलब कितने लोगों को नौकरी मिली है यह कहना हमारे लिए मुश्किल है, हम सिर्फ 2 लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार आप चेक कर लीजिएगा जाकर, अगर आप बेरोजगार बैठे हो तो आपको नौकरी मिल सकती है। तो ठीक है दोस्तों, कहीं ना कहीं से आपको नौकरी मिल जाए बेहतर है। फिलहाल बस कहना यही चाह कि जो बच्चे सीटेट के लिए इंतजार कर रहे हैं कि परीक्षा भी नहीं होनी चाहिए, वो एक गलती कर रहे हैं। देखिए, अगर आपका पेपर जितना लेट होगा ना उतने दोस्तों ज़्यादा नए छात्र आपके सामने आने वाले हैं। हर साल आपको बता दें, यूपी में, खाली उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यूपी में कम से कम नहीं तो 4 लाख बच्चे डीएलएड और दोस्तों बीएड का कोर्स कर रहे हैं। तो सोचिए दोस्तों, जब 4 लाख बच्चे एक साल में कंप्लीट कर रहे हैं कोर्स को, तो अगर आपका जो सेशन है 6 महीने या एक साल लेट होता तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जो आपका जो कंपटीशन होगा उसमें 4 लाख छात्र और बढ़ जाएंगे, तो सिंपल सी बात है नौकरी पाना और मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो बस इसीलिए दोस्तों कह रहे हैं कि जो सीटेट का पेपर है जो डिले किया जा रहा है, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, उससे आपको नुकसान ही होने वाला है। तो जितनी जल्दी से जल्दी दोस्तों अब ये पेपर हो जाएगा जुलाई वाला, उतना बेहतर होगा, क्योंकि उसके बाद दोस्तों सीटेट एग्जाम आपका दिसंबर वाला भी आने वाला है। तो कुल मिला के दोस्तों जो बच्चे पहले से इसके लिए अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए दोस्तों ये बुरी खबर होगी कि उनका पेपर ज़्यादा लेट हो रहा है। हाँ ठीक है, जो बच्चे नए हैं उनके लिए दोस्तों अच्छी खबर होगी कि अभी उनका पेपर नहीं हो रहा है। तो बस इतना सा लॉजिक है जो आपको समझना है। और बाकी दोस्तों बात रही कि नौकरी की, तो नौकरी दोस्तों तभी आ पाती है जब आप लोग चाहेंगे। देखिए होता क्या है, इस समय सभी लोग कोरोना से डर रहे हैं। देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस से वो बच्चे ज़्यादा डर रहे हैं जो स्कूल और कॉलेजेस में, ठीक है उनको चाहिए होती छुट्टियाँ और वो घर में बैठे हैं। लेकिन अब आप लोग को चाहिए नौकरी, ठीक है आप लोग घर में नहीं बैठ सकते ज़्यादा समय तक, तो सिंपल सी बात है दोस्तों अब आपको नौकरी के लिए यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ेगा और सवाल भी दोस्तों आपको सरकार से करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आप लोग घर ही बैठे रह जाएंगे और सब कुछ आपका बेकार हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, परीक्षा को लेकर जो भी लेटेस्ट अपडेट्स, उसमें हम आपको बस इतना कहेंगे कि जो पेपर है सीटेट का, मैक्सिमम दोस्तों चांसेस यही है कि आपका पेपर सितंबर में करा लिया जाएगा, क्योंकि अब दोस्तों ये आवाज़ छात्रों की भी बन चुकी है। अब छात्र भी नहीं चाहते कि दोस्तों ये पेपर ज़्यादा दिन तक मतलब टला रहे, ठीक है पोस्टपोन रहे, उससे कोई आपका फ़ायदा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात अब आपको समझ में आ रही होगी। बाकी दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी पेपर की वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। ठीक है, फिर से दोस्तों वीडियो के अंत में बस इतना कहेंगे कि आपको सोशल मीडिया पर जो आपका अभियान है पेपर को लेकर,
तो वो आप उसको चलाते रहिए और आप अपनी परीक्षा दोस्तों जल्द से जल्द कराइए, नहीं तो फिर नुकसान आपका ही होगा, फायदा कुछ नहीं है। जैसा कि हमने आपको बता दिया, 1 साल लेट हो गया तो 4 लाख का जो कंपटीशन है, 4 लाख नए छात्र आएंगे, उनसे दोस्तों आपको कंपटीशन में नई नौकरी में आपको उनके साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों हमने जैसा कि बताया कि अभी हजारों पद शिक्षकों के खाली हैं, जहां पर दोस्तों आसानी से आप 50,000 की नौकरी पा सकते हैं, तो पा सकते हैं। बस वही है ना, सरकार की दोस्तों जो भी नीति आप कहें जिसके कारण ये नौकरी नहीं आ पा रही, बस आप उसको कोसिए और कुछ नहीं। बाकी नहीं तो फिर दोस्तों आप जाकर पोर्टल पर वही है, कोई ना कोई नौकरी आप ढूंढेंगे। ठीक है, नौकरी दोस्तों किसमें मांगी जा रही है आपको एक बात और बता दें, सेल्स मार्केटिंग हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, निर्माण क्षेत्र के लिए अकाउंटेंट, डिलीवरी बॉय, ग्राहक सेवा या टेलीकॉलर, ठीक है, कस्टमर केयर, इन सब की दोस्तों नौकरियां मिल रही हैं। आप सोचिए डीएलएड और बीएड का कोर्स आप इसलिए मतलब आपने इसलिए किया था कि आपको कुछ भी नौकरी मिल जाए, तो ठीक है दोस्तों आप लोग पढ़ाई करिए, बढ़िया सैलरी है टीचर में, ठीक है। बाकी क्या है ना कि आप चुनाव आने वाले हैं यूपी में, तो स्पेशली आने वाले हैं, तो यूपी के छात्र तैयार रहे नौकरी के लिए। बाकी दोस्तों बाहर के राज्यों के छात्रों को भी आवेदन का मौका मिल जाता है, उसके लिए आपको तैयार रहने के लिए आपको कम से कम एक टीईटी की परीक्षा पास करनी जरूरी है, जो कि दोस्तों सीटेट एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। तो जब तक दोस्तों आप सीटेट की परीक्षा पास नहीं करेंगे तब तक आपको सुपर टेट में मौका नहीं मिलता, ये बात तो आप अच्छे से जानते होंगे। तो ठीक है दोस्तों आप तैयारी कर लीजिए, बाकी सीटेट या टेट कोई परीक्षा पास होंगे तो आपको मौका मिल जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही दोस्तों बेरोजगार बैठे रहना पड़ेगा, कोरोना कोरोना करते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए कोरोना वायरस तो ये ख़त्म होने वाला है नहीं, तो सिंपल सी बात है दोस्तों आपको सावधानी बरत कर आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोरोना कोरोना चलता रहेगा। देखिए तो मैनेजमेंट कॉलेजों में हो रहा है तो सभी पेपर टल रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं सबको, पूछिए दोस्तों कि आपको पैसे से आपको नौकरी का कि हमेशा कोरोना के पर कितने दिन बैठेंगे, पूछेगा कि अभी कितने दिन और आप बैठ सकते हैं घर पर, कब तक दोस्तों आप कोरोना कोरोना करते रहेंगे, ठीक है। ये सवाल दोस्तों जरूर बनता है सभी छात्रों के लिए कि कब तक आपको बेरोजगार रहना है, कब तक आप कोरोना कोरोना करेंगे। देखिए आपको बता दें जितने भी टीचर की मतलब नौकरी चल रही है आज की डेट में, वो सभी लोग स्कूल जाते हैं, भले दोस्त स्कूल में कुछ नहीं होता, प्राइमरी में अगर आप यूपी में देखें तो सभी टीचर लोग स्कूल तो जा रहे हैं ना, भले पढ़ाई ना हो रही, बच्चे नहीं आ रहे, जा तो रहे, उनको सैलरी तो मिल रही है। बस वही आप लोग सोचिए कि आप लोग घर में बैठे रहेंगे कोरोना कोरोना करेंगे तो कब तक कोरोना करेंगे, तो इसको आपको समझना चाहिए आप, और आपको आगे बढ़कर पेपर के लिए दोस्तों आना चाहिए, नहीं तो फिर सब कुछ बेकार ही होगा, आप घर कितने दिन तक बैठेंगे। बात रही कोरोना वायरस की, तो पेपर होगा तो दोस्तों वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग ये सबका पालन कराया जाता है, बाकी समझदार तो आप लोग खुद भी हैं, तो कैसे बचना है, बस यही है कि किसी के संपर्क में आप किसी को टच वच मत करिएगा, दूर रहेंगे तो कोई दिक्कत कोरोना वायरस से नहीं है। सेंटर पर भी जाए, लगे भीड़ है तो थोड़ा दूर खड़े हो जाए सेंटर के, अब ऐसा ना हो कि सेंटर पर भीड़ देखे तो आप वहीं पर सामने हो, थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, थोड़ा आगे पीछे हो जाएंगे, थोड़ा लेट हो जाएंगे, 2-4 मिनट चल जाता है, ऐसा नहीं है, तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, ठीक है। जो भी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स आती है हम आपको देंगे, फिलहाल अब आपको परीक्षा के लिए तैयार रहना है, ठीक है, क्योंकि अब दोस्तों छात्र भी पेपर के लिए मतलब प्रयास कर रहे हैं कि अब जल्द से जल्द परीक्षा हो, अब ये कोई नहीं चाहता आज की डेट में कि पेपर ना हो, तो पेपर के लिए अगर आप तैयार नहीं रहेंगे तो फिर नुकसान आपका है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि आपका पेपर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक जाएगा, मैक्सिमम दोस्तों अगर आपका पेपर डिले होगा तो थर्ड या फोर्थ वीक में सितंबर में हो जाएगा, उससे ज़्यादा ये लेट नहीं करेंगे सीबीएसई की तरफ से। बाकी दोस्तों परीक्षा की आपकी जो नई तारीख है ना वो कब तक आएगी आपको बता दें, वो आपकी नई तारीख सितंबर में ही जारी की जाएगी, ठीक है, अगस्त में वो परीक्षा की तारीख नहीं आएगी। तो आपको दोस्तों हो सकता है कि एक हफ्ते पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए, जैसे अगर आज से एक हफ्ता जोड़ लीजिएगा, अगर दोस्तों मतलब 1 तारीख को नोटिफिकेशन आता तो आपका 7 तारीख को पेपर हो जाएगा, क्योंकि सीटेट भाई लेट वेट यहाँ नहीं होता है, ज़्यादा समय तक लेट नहीं होगा, आप तैयार रहिएगा। और डीएलएड और बीएड के छात्रों के लिए स्पेशली अपील है दोस्तों कि आप लोग सीटेट टेट और सुपर टेट की तैयारी बढ़िया से करें, ताकि दोस्तों आपको कहीं और नौकरी के लिए भटकना ना पड़े, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।